स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन व व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ की तरफ से व्यक्तित्व विकास अभिमुखीकरण पर व्याख्यान का आयोजन शहर के शासकीय महाविद्यालय में किया गया। इसमें विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में व्यक्तित्व का विकास करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर वीणा पारिक ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर माधवी पाटीदार ने विद्यार्थियों को विवेकानंद मार्गदर्शन में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं डॉक्टर अर्चना करंदीकर ने विद्यार्थियों को उत्साह को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया, साथ ही बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल कैरियर बनाने व जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों को स्नातक शिक्षा के दौरान से ही लगातार अपने व्यक्तित्व को लगातार परिष्कृत करते रहने पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी प्रोफेसर पूजा शर्मा ने करते हुए कहा कि शिक्षा द्वारा समाज सेवा व समाज सेवा द्वारा शिक्षा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व विकास को सक्रिय रहते हुए किया जा सकता है। इसमें उनमें नैतिक व कर्तव्य बोध जैसे सद्गुणों का विकास होता है। इस दौरान कार्यक्रम का आभार विवेकानंद समिति सदस्य प्रेरणा नगवाड़ेकर ने माना। कार्यक्रम में विवेकानंद समिति सदस्यों में निशा कुंडलिया, सिमरन राठौर, राहुल चौहान, अंबिका परिहार, भावना पांचाल आदि जन उपस्थित रहे।